पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर इलाके से एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने नेवी से रिटायर पिता की अपनी मां के साथ मिलकर पहले हत्या की और फिर शव के टुकड़े भी किए और उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। आपको बता दे, मृतक 55 वर्षीय उज्जवल चक्रवर्ती नौसेना का पूर्व कर्मी था और वो शराब का आदी था। 14 नवंबर की शाम को मृतक और उसके 25 वर्षीय बेटे जॉय चक्रवर्ती के बीच कहासुनी के बाद तीखी नोकझोंक हो गई। विवाद कॉलेज की फीस को लेकर था। उसका बेटा पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहा था। कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए बेटे ने अपने पिता के साथ मारपीट की और उनका गला घोट दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी मां श्यामली चक्रवर्ती के साथ मिलकर अपने पिता के शव को एक आरी की मदद से 5 टुकड़ों में काट दिया और उन्हें अपने घर से लगभग 500 मीटर दूर आसपास के स्थानों पर फेंक दिया और उसके बाद अपने पिता के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने एक तालाब से एक सड़ी गली लाश बरामद की और जब पुलिस मामले की तह तक गई तो पता चला कि बेटे ने ही अपने मां के साथ मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा था और आरी से शव के 5 टुकड़े कर ठिकाने लगा दिए थे। फिलहाल माँ बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।